हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करेंगे, तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और दोस्तों सभी लेसन्स को जरूर देखिएगा। और जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, लेसन 1, 2, 3, 4 इस तरह करके, तो जितने भी लेसन है सभी लेसन को जरूर देखिए, तभी मेरा मेहनत भी सफल होगा और आप बिल्कुल जड़ से सीखेंगे। मुझे एक बगीचा है, तो जैसे मुझे दो भाई है, आई हैव टू ब्रदर्स, तो मुझे एक बगीचा है, आई हैव अ गार्डन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई हैव अ गार्डन, मुझे एक बगीचा है, मेरा बगीचा छोटा है, तो यहां पर हो जाएगा माई गार्डन इज स्मॉल। लेकिन यह बहुत सुंदर है, बट इट इज वेरी ब्यूटिफुल। मेरा बगीचा मेरे घर के सामने है, तो यहां पर हो जाएगा माय गार्डन इज, मेरे घर के सामने का होता है इन फ्रंट ऑफ, तो यहां पर हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ, मेरे घर के सामने, तो यहां पर हो जाएगा माई हाउस। माई गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे बगीचे में दो भाग है, तो यहां पर है दो भाग है, तो हमें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है कि कहां से शुरू करें, तो हम किससे शुरू करेंगे, देयर से। मेरे बगीचे में दो भाग है, देयर आर टू पार्ट्स, मेरे बगीचे में, इन माई गार्डन, देयर आर टू पार्ट्स इन माई गार्डन, एक भाग में फूल है, इसे भी देयर से शुरू करेंगे, There are flowers, एक भाग में, in one part, और इसे आप has लगाकर भी बना सकते हैं, the first part has flowers, इस तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरे भाग में सब्जी है, There are वेजिटेबल्स इन अदर पार्ट्स, फूल के बगीचे में तरह तरह के फूल है, तो यहां पर हो जाएगा देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, या फिर वराइटीज ऑफ फ्लावर्स भी लिख सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे वराइटीज ऑफ फ्लावर्स, देयर आर वराइटीज ऑफ फ्लावर्स फूल के बगीचे में, इन द फ्लावर गार्डन, कुछ लाल है तो कुछ पीले, सम आर रेड, तो कुछ पीले, वाइल द अदर भी आप लिख सकते हैं यहां पर, वाइल द अदर आर येलो, आप सिंपल तरीके से बना सकते हैं, सम आर रेड, ऑन द अदर हैंड सम आर येलो, इस तरीके से भी बना सकते हैं। उनमें कुछ गुलाब भी है, उनमें यानी कि अमंग देम, देयर आर ऑल्सो सम रोजेज, सम रोजेज, सब्जी के बाग में हम लोगों को टमाटर और प्याज है, तो हम लोगों को यानी कि हमारे पास, वी हैव
टमाटर और प्याज है, वी हैव टोमेटोज एंड पोटैटोज, सब्जी के बाग में, इन द वेजिटेबल गार्डन, मेरे माता पिता पौधों को सींचते हैं, माई पेरेंट्स, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यहां पेरेंट्स एक से अधिक है, सींचना का वाटर होता है तो यहां पर हो जाएगा माई पेरेंट्स वाटर, एसीएस नहीं लगेगा क्योंकि पेरेंट्स प्लूरल होता है, माई पेरेंट्स वाटर द प्लांट्स, मैं भी बगीचे की देखभाल करता हूं तो यहां पर हो जाएगा आई ऑल्सो लुक आफ्टर द गार्डन, कभी कभी हम लोग बगीचे में बैठते हैं, कभी कभी, समटाइम्स वी सिट इन द गार्डन या ऑन द गार्डन, ऑन द गार्डन, यदि यह घेरा के अंदर है और वहां पर बैठते हैं तो इनका भी यूज हो सकता है, यह हमें आनंद देता है, इट गिव्स अस प्लेजर, सुंदर फूल हमें खुश कर देते हैं, ब्यूटिफुल फ्लावर्स प्लीज अस, प्लीज मीन्स होता है खुश करना और यहां पर फ्लावर्स है इसलिए एस यूज नहीं करेंगे, और यहां पर आप मेक अस हैप्पी भी लिख सकते हैं, ब्यूटिफुल फ्लावर्स मेक अस हैप्पी, बगीचे से हमें हरी सब्जियां भी मिलती है, वी ऑल्सो गेट ग्रीन वेजिटेबल्स, बगीचे से, फ्रॉम द गार्डन, बगीचा बहुत लाभदायक होता है, द गार्डन इज वेरी यूजफुल। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का लेसन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और एक बार फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक मैंने जितने भी 70-80 लेसन्स बना लिए हैं तो सभी वीडियोज को आप लोग जरूर देखिएगा, इस चैनल को आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।